हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रेड लाइट सिम्टम पर बात नहीं करूंगा, ना ही किसी डिजीज़ के बारे में बात करूंगा और ना ही किसी मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगा, एक पेशेंट को फिस्टुला था जो है, कलकत्ता के हम रहने वाले हैं, वो दमदम में उसका घर है। तो वो डॉक्टर को दिखाया, जो डॉक्टर बोला कि आप MRI कराइए। पेशेंट को किसी तरह पैसा का असुविधा था, लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए उन्होंने MRI कराया। MRI में रिपोर्ट आ गया कि जो है आपका फिस्टुला ग्रेड 2 में है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है सर्जरी कराना पड़ेगा। तो भाग्यवश जो है वो पेशेंट जो है फिस्टुला पर हमारा लेक्चर सुना, हमसे कांटेक्ट किया और वो समझा कि हम भी कलकत्ता करने वाले हैं। उसमें हमारा चैम्बर का एड्रेस था, ढूंढते ढूंढते हमारा नंबर निकाला, हमसे बात किया, हमने उसको टाइम दिया, चैम्बर में हमारा आया। उसके बाद में हम उसको दवाई दिए और हर 15 दिन पर रिपोर्ट देता और हर महीना एक महीना पर चैम्बर में आता। तो ज़्यादा दिन का नहीं बात है, नवंबर की बात है। तो हमने उनका नवंबर चालू किया दवाई, ट्यूबरकुलिनम से चालू किया, ट्यूबरकुलिनम बरबरिज फलगरिज और जो है कलकिरिया सल्फ, मायरिस्टिका, सालिसिया, ये सब कुछ दवाइयाँ मैं अदल बदल कर, जैसा उसका पोजिशन था, पेन होता था, ब्लीडिंग होती थी, दर्द होता था, टब में जो है हार्ट बात करता तो उसको आराम मिलता, तो उसको दुनिया भर की परेशानी है। तो हमने जो है वो ट्रीटमेंट चालू किया। तो उसको जो है एक बार बोला कि डॉक्टर साहब, हम जो है अपना MRI करवा लें। हम बोले तुमको कोई तकलीफ नहीं है तो MRI करवाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, उसको तो विश्वास था, लेकिन उसके घर में उसके माता पिता को यह पसंद नहीं था कि वो होम्योपैथी कराए, क्योंकि उनका होम्योपैथिक में जरा भी विश्वास नहीं है, जैसे कि और डॉक्टरों का होता है, MBBS हो चाहे MD हो चाहे MS हो, उन लोगों का आज तक हमारे अनुभव से वो होम्योपैथी को कोई दवा नहीं समझते हैं। तो घर वाले के दबाव से उसने MRI किया। तो MRI करवाया तो जो डॉक्टर ने MRI किया था वो देखकर जो है आश्चर्य उसको हुआ कि अरे होम्योपैथिक में इतनी बड़ी ताकत है, फिस्टुला जो है ग्रेड 2 का जो है 3-4 महीने में ठीक हो गया। तो वो पेशेंट जो है फिर सर्जन के पास गया, वो रिपोर्ट दिखाया, तो सर्जन भी जो है आश्चर्यचकित हो गए कि होम्योपैथिक में कितनी बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, जब डॉक्टर हनीमन ने दवाई का आविष्कार कर रहे थे तो उनका विरोधी उनका बहुत मजाक लेते थे, पागल आदमी है, ये क्या करेगा। तो दोस्तों, आज के ज़माने में होम्योपैथिक ऐसी विद्या है कि आप जो है आप परिवार वाले हैं, आपके बाल बच्चे हैं, तो आप कुछ दवाइयाँ जो कॉमन दवाई होती है, 15-20 दवाई कॉमन होती है, उसको घर में रखे रहिए 30 पावर में, जैसे कोनाइट हुआ, बिलारुना हुआ, ब्राउनिया हुआ, जैस्मिन हुआ, रस्टेक्स हुआ, सालिसिया हुआ, तो ये सब जो कॉमन दवाइयाँ हैं वो जो है प्रत्येक आदमी को घर में रखना चाहिए। दोस्तों, भगंदर जो है फिस्टुला जो है एक ऐसा मर्ज है कि जितना बार इसमें क्या होता है, एक कैविटी बन जाती है जिसको पूरा करने में, जिसको ड्रेस करने में टाइम लगता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका फिस्टुला कितना पुराना है। तो इस पेशेंट का भी फिस्टुला काफ़ी दिनों का था, परेशान था, दवाई करते करते टायर्ड हो चुका था, एंटीबायोटिक खाते खाते परेशान हो चुका था। तो जो है दोस्तों, आज इंडिया में कम से कम कितने पेशेंट ऐसे हैं जो जिनको जानकारी नहीं है कि फिस्टुला का ऑपरेशन कराने के बाद भी फिस्टुला जो है 90% केस में रिकर होता है, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। हमारा एक पेशेंट बोला कि सर, हम तो 8 बार ऑपरेशन करा लिए, हमारा ठीक नहीं हुआ। वो पेशेंट गाजियाबाद का था, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। दोस्तों, हमको खुद आश्चर्य हुआ, इतना जल्दी आराम हो जाएगा, हम समझे कि यहाँ थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन एकदम टोटली क्योर हो गया। तो दोस्तों, उसकी दवाई तभी चलेगी, लेकिन एक तरह से उसका टोटली क्योर हो गया। उसके परिवार वाले खुश हो गए, हमसे टेलीफोन बात की, हमको बधाई दी, हमको मिठाई भेजे, हमको जो है गुलदस्ता भेजे, जो है बहुत बड़ा गुलदस्ता भेजे। तो दोस्तों, आप भी होम्योपैथी पर विश्वास रखिए, कोई पुराना से पुराना व्याधि हो, आप एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसकी एडवाइस पर दवाई खाइए, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई डिफरेंट डिफरेंट आदमी को दिया जाती है, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, बेसिक दवाई जो होती है वो पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है। डॉक्टर एस के दुबे जो मेटेरिया मेडिका लिखे हुए हैं, उन्होंने भी पढ़ाते समय ऐसा बोला था कि आप जो है अगर कोई केस है इमरजेंसी, तो पहले आप जो करंट सिम्टम है पहले आप उसको ठीक कीजिए, उसके बाद भी हिस्ट्री में जाइए, नहीं तो पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी, तो आप स्टेकिंग करते रहेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि होम्योपैथी की एक ऐसी विद्या है कि जो आप लंबे समय तक, कुछ दिन तक,
पूरे भरोसे के साथ में किसी भी डॉक्टर का दवाई कीजिए, पूरे भरोसे के साथ में दवाई कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ज़्यादा कास्टली भी नहीं है। आपको दवाई जर्मनी की दवाई की जरूरत नहीं है, आप SBL की दवाई ले सकते हैं, आप हैपको की दवाई ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी है कि आप जर्मनी की ही दवाई से फ़ायदा होगी। अगर जो है आप दवाई सिलेक्शन आपका ठीक है, आपका लोकल दवाई से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये जर्मनी की दवाई की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारा यूट्यूब में आज करीब कम से कम 8,000 पेशेंट हैं, तो उन 8,000 पेशेंट में फिस्टुला के कम से कम 100% हैं। सारे पेशेंट को हम अपना जो है अपना रिपोर्ट भेजेंगे कि 11 नवंबर से ये रिपोर्ट है जो है, 26 मार्च इसका ट्रीटमेंट चालू किए थे हमने, 10 नवंबर इम्प्रेशन देखिए लिखा हुआ है, ग्रेड 2 यहाँ लिखा हुआ है, आपको भी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, तो ग्रेड 2 लिखा हुआ है। 4 महीना बाद में रिपोर्ट कराया, नो एविडेंस ऑफ पेटेंट पेरी एनर फिस्टुला ट्रैक्ट, माना कोई ट्रैक्ट नहीं है। हालांकि उसकी दवाई अभी कम से कम 6 महीना चलेगी, क्योंकि जो डैमेज हो गया है उसको फुलफिल करने में टाइम लगेगा, अभी दवाई चलेगी। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब है कि आप भी होम्योपैथी पर विश्वास रखिए, होम्योपैथिक दवाई घर में रखिए। वैसे हमने नेजल पॉलिप का भी केस ठीक किया है, पायरस का भी केस ठीक किया है, लेकिन आज पता नहीं क्यों हमारे मन में आ गया, हम जो वीडियो बनाएंगे उसका प्रूफ भी बताएंगे कि जो हम ठीक किए हैं। हम 8 से 4 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे केस ठीक किए हैं, माइग्रेन के ठीक किए हैं, माइग्रेन का केस जो 25 साल का केस ठीक किए हैं। तो आज हमारे मन में आ गया, अपना खुशी आपको जाहिर करें कि आपको भी भरोसा हो जाए कि होम्योपैथिक बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे आपको नफरत नहीं करनी चाहिए। प्रूफ आपके सामने है, आप रिपोर्ट देख लीजिए और कन्फर्म हो जाइए कि होम्योपैथिक से बढ़कर कोई दवाई नहीं होती है। सोरायसिस जड़ से ठीक किए हैं, हमारे गांव में एक यादव जी हैं, उनको जो है स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते दिखाते तंग आ गए, उनका फीस देते देते तंग आ गए, हम उसका प्रूफ नहीं दे पाए, क्योंकि जो है हम उसको जरूरी नहीं समझे। पेशेंट अपने आप बढ़ रहे हैं तो प्रूफ देने की क्या जरूरत है, लेकिन चूंकि ये सर्जिकल केस है, ये एलोपैथिक में इसकी कोई दवाई नहीं होती है विदाउट सर्जरी, और सर्जरी करा भी ली जाए तब पर भी आपको मुक्ति नहीं मिलती है, आपको बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है। अगर ऐसा कोई केस है, पायरस है, फिस्टुला है, फिशर है या और कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे दवाई लीजिए या हमसे दवाई लीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, किसी भी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए, और ऐसे डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए जो दवाई को बार बार बदले नहीं, उससे पेशेंट ठीक हो जाएगा। और पेशेंट ठीक हो गया है जिसका प्रूफ आपको हम दे रहे हैं। तो दोस्तों आशा है आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, आप भी इसको शेयर कीजिए, आपके रिलेटिव में, आपके परिवार में, आपके जान पहचान में जितने भी आदमी हैं सबको हमारा रिपोर्ट दिखाइए और बोलिए कि फिस्टुला है तो आप ऑपरेशन ज़िंदगी में कभी मत कराइए, पाइल्स है ज़िंदगी में ऑपरेशन मत कराइए, फिशर है ज़िंदगी में ऑपरेशन मत कराइए, आप होम्योपैथी दवाई करिए और विश्वास के साथ कीजिए। जैसे मंदिर में किसी मौके के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है, सब भगवान को देखने जाते हैं, तो भगवान वही रहते हैं, भगवान असली रूप में नहीं आते हैं, वो मूर्ति का मूर्ति रहती है। लेकिन भरोसा एक ऐसा चीज़ है जो जिसके सारे आदमी जो है पार उतर जाता है। तो आप भी भरोसा होम्योपैथी पर रखिए और अपने आसपास के लोगों से हमारा यह संदेश भेजिए, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है। नमस्कार।